आपकी आप पे इच्छा हट जाएगी यहाँ पे। और जो पहला मंत्र हमने आपको दिया, ये आपके संसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आप पे पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में वो तत् मिलकर दो मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम, उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में, सतलोक में स्थायी तो प्राप्त कराओगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से आप बिल्कुल इतने इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सारनाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ, और तीसरे बिना यह बात नहीं बने। अब क्या कहते हैं, जैसे ये नादान संत देखे कोई सोहम नाम देता है, सोहम तो ये देने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये उस परम पिता परमात्मा का नुमाइंदा हंस दे सके ये अधिकारी नहीं सोहम नाम देने के। और फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, गोली इधर फेंक दी, बंदूक उन्होंने डाल दी, थरा गज वही हो। और फिर ये अधिकारी नहीं, जैसे जिनको कति अनजान लोग और या कति जानबूझ का बकवाद करने वाले ही ये ऐसे नाम अपने आप वो मंत्र देते हैं जो ये अधिकारी नहीं। वो तो वो हैं जैसे एक SDM बन गया आप पर जज्जर के अंदर, पीछे पेपर माई थी, और एक वहाँ के SDM के आप पर एक बनवा कर उसके ट्रांसफर ऑर्डर इसे बढ़िया दस्तक कर दिए ज्यों के त्यों और वो भेज दिया। अब उसको उस पर चाहे किससे की मोहर बना ले, बरी भी कर दे, ले पैसे और उसको फलाने की मोहर कर दी, उसका भी दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उन पर चाहे किससे की मोहर बनवा ले, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, चाहे पासपोर्ट बनवा ले, चाहे उन पर वो नकली सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सब पर मोहर मार देते हैं और उसी अधिकारी की मार देंगे। तो वो या तो जानबूझ कर बकवाद करने वाले, या कति बालक जिन्हें कह का नहीं मेरा कि तुम इसके अधिकारी भी हो कि नहीं, जो दस्तक करके दे रहे हो तुम्हें फांसी गलेगी, तो वो अनजानपना वही करते हैं, लेकिन जानकार तो ये गलती नहीं करते। आज तक किसी ऋषि ने किसी शास्त्र में दिखा दो जनसोम नाम दिया होता है, पिछला इतिहास दिखा दो द्वापर त्रेता और सतयुगताई का, इस कलयुग में ये काल न, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में ल्याए और सार शब्द हम गुप्त छपाए। केवल सोहम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे सारी जन्म मुक्त, क्योंकि पहले अधिकारी नहीं, इनकी इनका दिया हुआ मंत्र यो काम नहीं कर सकता, और ये दास देगा। और इस मंत्र दोनों मंत्रों का जो आप जाप करोगे तो उससे जब तक ये तीसरा मंत्र जो गुप्त है ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फेल। फेल का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस हो जाएंगे, इनके अपने लाभ बहुत होगा, पर वास्तविक मुक्ति रह जाएगी। जैसे कल बताया था कि वो जैसे हमने अकाल मूर्त को तो पाना है, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को तो प्राप्ति करनी है जिससे हमें सुख, यानी वो तो जल समझो। और ये सच्चा नाम सतनाम जो श्वास से आपको दिया जाएगा ये बोकी समझो, बोकी ये क्रिया बोकी है उस सत अकाल मूर्त को पाने की। अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म या पांच नाम ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार, ये कोई जाप नहीं है, ये तो सारे फेल हैं, यूजलेस है। आपको दिखाऊंगा प्रमाण परमात्मा द्वारा इसका कैसे बताया। तो हमने वो सतनाम की बोकी लगानी है श्वास की, दो मंत्र की, और फिर और तीसरा ना मिला जो तो वो नलका बनेगा, नलखंड पंप बनेगा ऊपर, वो ना मिला तो वह बोकी व्यर्थ, और वो बोकी नहीं वो पाइप व्यर्थ, और पाइप नहीं पहुंची तो वो हैंड पंप व्यर्थ। इन दोनों का ऐसा सहयोग है। क्या बताते हैं परमात्मा, नामा चीपा ओम तारी। पहले नामदेव जी महापुरुष ओम नाम के जाप से इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे, मंदिर भी फेर दिया, पत्थर को दूध भी पिला दिया, मरी हुई गायें भी जवा दी थी। पीछे परमात्मा ने उसको याद दिलाई, बेटा केवल ये मुक्ति का अकेला मार्ग नहीं है। फिर वो परमेश्वर स्वयं मिले आकर के गुरु रूप में, नौकर मनुष्य रूप है उनका, वो शरीर दूसरा तेज कम तेज का बना दिया, फिर उनको सारी विधि बनाई, फिर वो दूसरा मंत्र दिया। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बोर ना होई। फिर उस पर प्यारी आत्मा का पूर्ण मुक्ति हुई जब वो सार शब्द मिल। अब देखना इसके सामने बिल्कुल सत शब्द कहो सार शब्द कहो एक ही बात है। अध्याय नंबर 17 का आप चल रहे हो, आप 24वां श्लोक आप देख रहे हो, 25वां श्लोक आपने देखा। तत् नाम
से कहे जाने परमात्मा की यह सब भय है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, ये सांकेतिक है, ये दास नहीं बताएगा आपको अभी जब तक आप उपदेशी नहीं हो जाओगे। और आप चाहे, हमने लिखा भी है पुस्तकों में ये समझाने के लिए कि वास्तव में ये मंत्र है, अगर उससे कोई पढ़ के कोई लेगा आप जाप करता है उसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आप बेशक जो का क्यों बनवा लो, अधिकारी दस्तक नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। तो इस दास से मिलेगा तो वो लाभ फायदा करेगा, नहीं तो यूजलेस है, बेशक बात बनाना। उस तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब भाव से फल को ना चाहे, यहाँ की कोई फल नहीं चाहेंगे हम इस दोनों मंत्रों का, कति अपना गुप्त रखेंगे इनको, इस कमाई को कति सेफ रखेंगे, और न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा साधकों द्वारा की जाती है, केवल जन्म मरण से छूटने वाले ही करते हैं। देख गुप्त खजाना आपके सामने छुपा हुआ है, आगे देखो 26 में, और ये सत शब्द सद्भावे साधु भावे च सत इत इति एतत् पूजत प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है पारथ योज्यते सद्भावे। कति बिल्कुल यहाँ से हृदय उठ जाएगा आपका, देख लेना 2-3 साल के अंदर दिखा दूंगा जो उपदेशी होगे, यहाँ से आपकी ना कार की जरूरत महसूस करोगे ना कोई ठीक ही, और परमात्मा आप देगा आपको, यहाँ तो आपने इतना दे देगा पूछा मत, लेकिन आप उस अपनी इच्छा करोगे ना फिर गलत हो जाएगी, आप परमात्मा आपकी जो पहले मंत्र की कमाई से ठाड़ कर। तो यहाँ कहता है कि सत भावे साधु भावे तय चय सत इति एतत् प्रयुते, इस सत इस परमात्मा की वो सत नाम तो जाने वाला सतपुरुष सच्चा भगवान आदि के प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है, और उस सार शब्द से वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की, सत शब्द यानी सार शब्द उस सच्चे मंत्र पे। आगे देखिए इनकी हिंदी भी देखना, सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और सर्वश्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे उत्तम कर्म, बाकी तो दुष्कृति ने बताए तीनों गुणों की भक्ति तक तो, और अपनी भक्ति को भी काल कहता है मेरी भी उत्तम नहीं। ये वो परमात्मा का तीन मंत्र का जाप है जिससे हमारी यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। अब जैसे